खूबसूरत माशाल्लाह। यार अब इन शूज़ों में ऊपर चढ़ किस तरह रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और ये लीक इस वजह से कर रहा है कि ये तार से बांधी हुई लोहे की तार से, जिसके से ना यहाँ से पानी लीक कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई आर्च देख रही है, आर्च देखें ज़रा, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई आर्च है और नीचे इसको सीमेंट किया है, पीछे से पानी आ रहा है थोड़ा सा स्टोर करने के लिए, बेहतरीन पानी, मीठा ठंडा पानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज फिर हमारा सफ़र मरी का हो रहा है और आज के सफ़र में जो मेरा हम सफ़र है वो है तला भाई। तला भाई हाथ हिला दे कैमरे में, जो कि आप नहीं हिला सकते। तो अभी हम मरी जाते हुए एक स्पॉट पे रुके हैं, जो कि चेक करें भी कितना खूबसूरत है। और ये है बिल्कुल मोटरवे से जाते हुए, मरी जाते हुए मोटरवे जो है बिल्कुल उस जगह पे है। और ये वाटरफॉल चेक करें कितना बेहतरीन है। और तला भाई वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ बैठ के हम थोड़ी सी देर इंजॉय करेंगे, सिगरेट वगैरह पीना तला भाई ने वो पियेंगे। तो चलें चलते हैं, थोड़ा सा बैठ के चिल शिल करते हैं। और बाइक हमने उधर नीचे खड़ा कर दिया, मैं अगर दिखाऊँ बाइक नज़र आ रहा है कि, और ये सामने बाइक मैंने खड़ा किया नीचे, और व्यू चेक करें यार। तला भाई थोड़ा सा और आगे जाएंगे, पानी के पास जाएंगे थोड़ा सा और। तो चलें मैं भी चलता हूँ। और भाई जान ये रास्ता चेक करें कितना खूबसूरत है रास्ता, उधर जाने के लिए भी रास्ता जो है वो भी कितना खूबसूरत है। मुझे सर मूवी, ओ ठंड भाई, हवा कितनी मज़े की ठंडी हवा, मुझे सर मूवी में नहीं दिखाते। बिल्कुल सीधी चटिया पहाड़ चट्टानें होती हैं, उस तरह का रास्ता है। साया नहीं है भाईजान, इधर है धूप बहुत ज़्यादा। तो हमने फ़ैसला ये किया है कि हम इस चट्टान के ऊपर दरख्तों की छाँव में थोड़ा सा बैठेंगे और थोड़ा सा जो है चिल शिल करेंगे। तला भाई सिगरेट वगैरह पियेंगे आप? हम वहाँ पे जाएंगे। और तला भाई ने हिम्मत की है पहले जाने की, सामान वगैरह हमने रख दिया है अपना वो वहाँ पे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ओ भाई जान कितने मज़े की जगह है, खूबसूरत माशाल्लाह। यार अब इन शूज़ों में ऊपर चढ़ किस तरह रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो भाई जान अभी हम ये देखें इस हाइट पे खड़े हुए हैं इस जगह पे, और ये तला भाई यहाँ पे थोड़ा सा सिगरेट वगैरह फूंक रहे हैं। और मेरा बाइक वो देखें, मैं ये जूम कर रहा हूँ 7x पे जूम करके, 8x पे जूम करके दिखा रहा हूँ, तो भी मतलब इतना छोटा सा नज़र आ रहा है। और ये जो है जगह, नीचे से पानी बह रहा है इसमें। और वो सामने जो है मरी जाते हुए जो कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स आते हैं, तो वो सामने कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स हैं। और इस चीज़ के बारे में तला भाई ज़्यादा जानते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। तला भाई कैसा, क्या सीन है इनका कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स का? करोड़ रुपये का फ्लैट, ये रेंट बता रहे हैं कि प्राइस बता रहे हैं? करोड़ रुपये एक बेड का, एक बेड स्टूडियो ठीक है, मतलब एक बेड तो मेरे ख्याल से ठीक है इस जगह के लिहाज से। डेढ़ करोड़ रुपये का कमर्शियल प्लॉट बैरिया फेस 7 में मिल रहा है। इस्लामाबाद में क्या रेट चल रहे हैं? तो इस्लामाबाद से मेरे ख्याल से महंगी जगह ये कमर्शियल जगह, और रोड के ऊपर है बिल्कुल, मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपये ठीक है इसके लिए। इसका जो उधर वाले फ्लैट है ना, पहाड़ी वाले जंगल वाले जो व्यू है वो महंगा है, इस तरह वाला सस्ता थोड़ा सा। बाकी जो व्यू ऐसे यार, तला भाई क्या कहते हैं व्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी जगह है? मज़े की जगह यार, पानी शानी आ रहा है कुछ जगह। अब बस एक चीज़ का अफसोस कर रहे होंगे, मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई और नहीं है आपके साथ। और ये जो है पाइप आ रही होगी जैसे नज़र आ रही है, ये लोगों ने ना अपने घरों में पहुँचाने के लिए, सामने भी घर हैं तो ये घरों में पहुँचाने के लिए पाइप आ रही है। यहाँ से पाइप लीक हो रही है, मैं दिखाऊँ अगर क्लीप करके, इसका पानी यहाँ से लीक कर रहा है। और ये लीक इस वजह से कर रहा है कि ये तार से बांधी हुई लोहे की तार से, जिसके से ना यहाँ से पानी लीक कर रहा है। और पानी पाइपों में आ कहाँ से रहा है? पानी आ रहा है कुरंग से,
मुझे किसी ने ग्रुप पिछली मैंने वीडियो में बोला था कि इसको पंजाबी लैंग्वेज में ना करंग बोलते हैं आई थिंक, तो मुझे किसी ने बोला था कि करंग नहीं कुरंग बोलते हैं, इसमें पाइप फंसा देते हैं और पत्थर से तरह के कुछ इस तरह से या कुछ मशीनें वगैरह भी मतलब लगाते हैं कि अंडर वाटर जो पंप होते हैं ना वो लगाते हैं, वो यहाँ से ना पानी खींचता है और फिर आगे पीछे पीछे घर बने हुए, पीछे दीवार नज़र आ रही है, भी किसी के घर है और पीछे वो सामने वाइट कलर की एक दीवार हमें यहाँ से नज़र आ रही है, कैमरे में पता नहीं नज़र आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, यहाँ पर एक गाँव शाँव है तो एक गाँव में फिर पानी जाता है और भी इसी तरह यहाँ से आगे जा रहा है उन घरों में और यहाँ पर सारा पानी का निज़ाम इस तरीके से चलता है। लेकिन एक बिजली वगैरह है यहाँ पर, पिछली बार जो कला भाई चढ़ाई गए कला भाई जाके आए कला भाई आ जाएंगे जंप नहीं हो सकती भाई। तो भाईजान हम ये चट्टान की जो है ना चोटी पे बैठे हुए थे और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। तला भाई कैसी जगह लगी? मजे की है। तो अभी तला भाई और मैं प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे जो प्रॉपर ना कुछ अपने साथ खाने पीने के लिए कोई इस तरह सेवर वगैरह कोई चीज़ लेंगे और यहाँ पे बैठ के ना कोई प्रॉपर जो है ना एक टाइम गुजारेंगे, स्पेंड करेंगे, हाइकिंग वगैरह थोड़ी सी करेंगे और थोड़ा सा चिल चिल करेंगे अपने दोस्तों वगैरह के साथ आएँगे। तो चलें अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी जा कर देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए हमने क्या चीज़ नेक्स्ट हम क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। ये चट्टान चेक करें, रास्ता चेक करें, ये सीधी चट्टान है, पतली सी पगडंडी और वो बंदे भी नहा रहे हैं यार। ना है यार हमारे पास कुछ है नहीं ट्राउज़र वगैरह, नेक्स्ट टाइम तो मतलब भाई शॉर्ट्स वगैरह लेके आएंगे। ठीक है एक्सप्लोर कर रहे हैं, पीछे लटका ले बैग ऐसे, ये सीढ़ियां थोड़ी सी ना हार्ड 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 है। भैया हम नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल मरी में, एक चश्मे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट होना ये आगे इधर गेट बना हुआ है यहाँ से इधर ही ना। तो ये भी हमने चश्मा एक्सप्लोर किया है तो आज हम इसको कवर करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो अनसीन है उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे हम। और ये बहुत हैवी किस्म की चढ़ाई है लेकिन एक हम फिर भी बाइक लेके जा रहे हैं और दो बंदे बैठे हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये खड़ा कर दे भाई, तो भैया अभी हमने ये चश्मा दिखाते हैं आपको जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है यहाँ पर, जिसको इन्होंने ना अंदर अंडर कवर किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है आर्च बना के। ये भी बता कि सर्दियों में गर्म होता है ये पानी। और मज़े की बात ये है कि ये पानी जो है सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडा होता है और इसके अंदर जो इन्होंने इसकी वो की हुई पत्थर नज़र आ रहे हैं और रंग अंदर तक नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियर पानी है ना। ये आ कहाँ से रहा है? ये वो सुराख बना हुआ है वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, इन्होंने इसको स्टोर करने के लिए ना कि ये आगे पीछे देख सकते हैं गाँव वाले ये गाँव शाँव हैं वो घर बने हुए हैं पीछे भी, तो ये घर वाले जो ना यहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं तो ये कुछ डोंगा शोंगा लेके आते हैं उससे जो ना पानी भरते हैं। तो हम भी पी के चेक करते हैं ला। अच्छा ये मिट्टी नहीं नीचे से सीमेंटेड है भाई, बनाया हुआ है ना प्रॉपर इन्होंने, लेकिन ये फिल्टर देखना किस तरह हो रहा है, मज़ेदार है ना, हल्का भी है पानी बड़ा मज़े का। आप ये बस मैंने तो यहाँ के जो लोगों से हमें पता चला ये बात कि ना ये पानी जो है ना ऐसा खाने को हज़म करता है ना कि मतलब जो मैदे अमराज है ना उनको बेहतरीन तरीके से ख़त्म करता है और पीने में ये वाकई में बड़ा मज़े का और हल्का पानी था, जायकेदार था।
पानी की अपनी मिठास होती है, वो चीज़ इसमें थी जो कि बहुत पसंद आया। आप भी आए तो अभी चेक करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने का हम सोच रहे हैं आजकल कि जो अनसीन हो, जैसे अभी थोड़ा साइड पे हट के है, अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई आर्च देख रहे हैं, आर्च देखें ज़रा, ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई आर्च है और नीचे इसको सीमेंट किया है, पीछे से पानी आ रहा है थोड़ा सा स्टोर करने के लिए, बेहतरीन पानी, मीठा ठंडा पानी। ये देखें जी, आधा पहाड़ बादलों से ढका हुआ है, आधा पहाड़ धूप है, और ये जो रोड है ये है मोटरवे मरी की जो है, और वो आगे से मुड़ के वापस आती है, वो पीछे पीछे से हल्की थोड़ी बहुत नज़र भी आती है, और इस साइड पे सेकंड कप और गुलियर जीन्स वगैरह, इसकी बैक साइड पे गुलियर जीन्स वगैरह फिर वहाँ पे है। और हम अब आए हैं, शॉर्टकट मारा है हमने, जीगा गली से ऊपर आ गए हैं मस्याड़ी से, जो हम नीचे उतरेंगे, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं जैसे देख सकते हैं, लोग शोक आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भरे हुए पड़े हैं यहाँ पर सारे जो है ना, फ्लैट होटल शोटल सब भरे हुए हैं, और यहाँ पठान लोग लूडो खेल रहे हैं सामने। भैया अभी हम मरी जो पुराना सिटी है उसके पास से गुजर रहे थे, तो हमने इस जगह को देखा, पीछे से चेक करें कितनी खूबसूरत जगह है, अभी आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं, लेकिन उससे पहले उधर दिखाने से खूबसूरत तीन जगह दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि जब आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना, तो इस तरह के जो काम है ना, जैसे ये गंद शंद लोग फेंक देते हैं शॉपर वगैरह, अब ये देखें ये पड़ा हुआ है, ये इस तरह के शॉपर वगैरह गंद वगैरह ना फेंका करें, क्योंकि देखें कोई गत्ता शत्ता हो कागज़ हो वो गल जाता है, ख़त्म हो जाता है पानी में, लेकिन अब ये जितने मर्जी साल इधर पड़ा रहे ना गंद शॉपरों वाला, ये इधर गलेगा नहीं, ये गंद गंद ही रहेगा, ये देखें जैसे कि, तो इसको जो है ना कोशिश किया करें गंद वगैरह अपने साथ जो है ले जाएँ, किसी डस्टबिन वगैरह में डालें, तो इस तरह काम ना किया करें यहाँ पर। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं कि कैसी ऊपर की जगह देखते हैं, ऊपर से तो बहुत मज़े का व्यू आ रहा था। ये हमने यहाँ पे अपने बाइक शेक खड़े कर दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो तला भाई क्या कहेंगे इस बारे में, जगह बहुत फिट मिली हमें एक्चुअली ना, मरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनसीन है, पूरी आवाम आती है पागलों की तरह, माल उड़ाती है, माल उड़ा के वापस चली जाती है, या नचिया गली चले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लेकिन लोगों ने ख़राब कर दिया ना, लोग यहाँ पे आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्लॉग्स में जो वीडियोस देख रहे हैं मेरी, इस जगह गंदा ना करें यार, कितना पीछे से व्यू, ऐसे पत्थर पत्थर सांस चढ़ गया। अच्छा तला भाई, यहाँ से ना इन पहाड़ों पे देखें सब्ज़ा है बहुत ज़्यादा, दरख्त भी हैं, दरख्तों से सब्ज़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि हम देवल से ऊपर जाएँ ना तो वहाँ पर चटियल पहाड़ हैं, सब्ज़ा सब्ज़ा नहीं है उधर, इसकी एक ये खूबसूरती है कि यहाँ पे जो है ना सब्ज़ा, और पत्थर जितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि पत्थर आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, हालांकि देखने से वैसे पत्थर ही हैं, लेकिन इसकी एक लुक अलग ही लुक है यार, बेहतरीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भजन सांस चढ़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते, और अब देखें मैं किस जगह से आया था, वो नीचे से ऊपर चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हम लोग पहुँचे, और मैं इस टाइम चट्टान की सबसे हाइट तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे ऊंची जगह पे खड़ा हूँ इस पहाड़ी के, जिस हम खड़े हैं। तो चला भाई कैसी वीडियो लग, कैसा जगह कैसी है, हमने बहुत मज़े की जो है ना नई एक जगह एक्सप्लोर की है, तो और दुनिया भी काफ़ी, कुछ लोग फैमिली वगैरह बैठी हैं काफ़ी इसी जगह, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, और इस जगह का बताएं कि यार ये जगह कैसी है, पसंद आई कि नहीं आई जगह आप लोगों को। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, इसी तरह अच्छी सी किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी इतना पानी पीने के लिए रुके हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम पर आपने शायद ये जगह देखी होगी, ये जंजीर जिस तरह मैंने दिखाया था, जंजीर का जो गिलास है वो सामने पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम अंधेरा था, नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है, तो अभी हम पानी पी रहे हैं यहाँ से, बहुत प्यास लग रही है अच्छी। क्या ये पानी तुम्हारी प्यास बुझा देगा? नहीं। इसका मतलब है तुम्हें इस पानी की नहीं किसी और पानी की ज़रूरत है। नहीं ये काफी है, ये काफी है, ये पानी काफी है।